I would say what the meaning of your life is what you make it. Nobody can decide what you will do except for you. Maybe you just know it, and that's what destiny is. Destiny is a guess. It may be predestined, but you can change that destiny. इतनी आसानी से दिखा दूंगा आपको मैं शॉर्ट्स पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा आपको सुनती कानों देखती आंखों को मेरा सलाम और आज हम यानी कि मैं और तैयब रवाना है पाकिस्तान के शुमाली जानिब यानी कि हुंजा की तरफ और इस सफर में हम दोनों के अलावा होंगे आप लोग भी हमारे साथ मौसम अभी से अच्छा होना शुरू हो गया है और वहाँ जाकर भी हमने सुना कि मौसम बड़ा बेहतर है लेकिन इस सफर में अपने साथ लेके क्या क्या जा रहे हैं पहले आप ये तो देख लें तो इस ट्रिप पर हमारे साथ जा रहा है नाइकन का Z7 टैमरॉन 30mm 1.4 मैकबुक प्रो इंस्टा 360 1X एनडी फिल्टर मैविक प्रो ड्रॉन रोड वीडियो माइक प्रो प्लस एस डी कार्ड केस गोरिल्ला पॉट और इंस्टा 360 की सेल्फी स्टिक और उसके साथ साथ हमारे पास स्टेबलाइज शॉट्स के लिए एक ज़ियोन ग्रेन 2 जिस पर लगाएंगे हम नाइकन Z7 विद फिश आई 1424 2.8 और हाँ एक अदद सन ब्लॉक हुई खैर अब हम रवाना है शुमाल की जाने तो सोचा कि जाने से पहले क्यों ना सिम का भी बंदोबस्त कर लिया जाए और सिम लेने से पहले किसी तजर्बाकार बंदे की मदद ले ली जाए अच्छा तो इम्तियाज भाई आप पहले भी हुंजा जाते रहे हैं तो कौन सा नेटवर्क बेहतरीन चलता है ये टेलीनार वाला सही चलता है तो कोई मसला वगैरह तो नहीं करता इंटरनेट वगैरह में नहीं कोई मसला नहीं करीबी रिटेलर से हमने टेलीनार की सिम ली और अल्पस ट्रैवल के साथ हमने अपने सफर का कर दिया आगाज अभी निकली थी कि मरी का मौसम जरा बेईमान हो गया रस्ते में हमने मियाँ जी के होटल पर रुककर थोड़ी सी दाल और अफगानी पुलाव से अपने पेट को लुत्फ पहुँचाया क्योंकि भैया एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप सफ़र में खाना कम खाएंगे उतनी आपको मुश्किलात का सामना कम करना पड़ेगा और तबीयत भी ख़राब नहीं होगी तो बेटर के खाने में ज़रा हाथ बोला रखा जाए अब खाने के बाद आ गई थोड़ी सी ऊँग लेकिन फिर डर गया यार कि कहीं इम्तियाज़ भाई पीछे ही ना भेज दें सामने इतनी खूबसूरत जगह देख सकते हैं और इस खूबसूरती के साथ आप ये खूबसूरती मुलाजा फरमाना ना भूलिएगा मतलब आपसे रिक्वेस्ट है आपको मैं तरले करके कह दूं या क्या करूं इतनी खूबसूरत जगह पे जब आप आते हैं तो इस क्या मकसद है इसका एक जिस शॉपर में आप ये सब जो चिप्स के पैकेट और ये दूध के डब्बे आप लोग एक शॉपर में डाल के लाते हैं ना क्या हाथों में लेके फिरे होते हैं नहीं ना शॉपर में डाल के लाते हैं ना तो जाती बार ये जो लिफाफे होते हैं उन्हें शॉपर में डाल के वापस ले जाया करें मुझे बताएं कोई मसला मुझे बताएं मसला है कोई मसला है नहीं ना फिर इतने खूबसूरत इलाके को ये उम्मीद है आप लोग मेरी बात पर अमल जरूर करेंगे आज रात तक हमारा नारान पहुंचना बहुत जरूरी था क्योंकि अगली सुबह हमने निकलना था बाबूसर टॉप से होते हुए हुंजा वैली की तरफ ओके जी गुड मॉर्निंग दोस्तों अस्सलाम वालेकुम हमारा आज है दूसरा दिन और आज हमारा दूसरे दिन का सफ़र है नारान से बाबू से टॉप की जानब और बाबू से टॉप से आगे जाएंगे हम हुंजा की तरफ और हुंजा में जाके जो जैसा कि आपको पता है हम टेलीनॉर के सिग्नल टेस्ट करने जा रहे हैं जाएंगे देखेंगे टेस्ट करेंगे और रिव्यू देंगे आपको और रास्ता बहुत खूबसूरत है अपनी बातों से टाइम ज़्यादा नहीं करूँगा मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ ओके जी क्विक अपडेट कुछ इस तरह से है कि सुबह से हम निकले हैं लेकिन नाश्ता नहीं किया नाश्ते के लिए हम रुके अभी मून रेस्टोरेंट और रवाना इसके बाद हम लुलू से लेके जा रहे हैं अभी ऑर्डर लेने आए थे तो वो हमें बता रहे थे कि ये ना कि बाबू सर टॉप पे गाड़ी खड़ी होती है टेलीनॉर वाली ना वहाँ पर सर्विस आती है अभी ये झील तक कहाँ जाती है हल्का सा नाश्ता किया और चल दिए लुलू से लेके जाने लुलूसर से निकलने के बाद मुझे ख्याल आया कि अब सन ब्लॉक लगाने का वक्त आ गया भाई ज़िंदगी में पहली दफ़ा तो ये इस्तेमाल कर रहा था हरकतों से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा आपको अब तक मुझे लग रहा था यार कि कुछ अजीब हो रहा है मेरे चेहरे पर लेकिन जब फ्रंट कैमरा देखा तो यकीन आ गया भाई कि अजीब तो हो गया अबे बेवकूफ़ आदमी जल्दी मल इसको किसी ने देख लिया तो बेइज्जती हो जाएगी हाँ शाबाश
गाड़ी को छोटे गियर पर शिफ्ट किया और चढ़ दिए बाबूसर टॉप की जानिब। बाबूसर टॉप का रास्ता जितना खूबसूरत नजर आता है उससे कहीं ज्यादा खौफनाक भी है। हर मोड़ एक नई कहानी लेकर सामने आता है। हम शौकत हैं बाबूसर टॉप है और बाबूसर टॉप टॉप पर ये नुकसान होते हैं। आप इतने ऊपर पर आके अपना मेंटल लेवल खो जाते हो। बहुत खूबसूरती अन्य वाह खूबसूरती मतलब। तो ये दिखाने का मकसद था कि बाबूसर टॉप पे टेलीनॉर के सिग्नल आ रहे हैं। वो जो टावर आप देख रहे हैं पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं, वो टेलीनॉर का ही टावर लगा हुआ है और यहाँ तक तो सिग्नल आ रहे हैं। रास्ते में नंगा पर्वत की खूबसूरती को सराहते हुए हम 5 घंटे की ड्राइव के बाद जा पहुंचे हुंजा वैली। हेलो फ्रॉम हुंजा। हम हुंजा में आ चुके हैं और स्किन पे ड्राइनेस का आलम बहुत शदीद हो चुका था जब आए तो लोशन साथ लेकर आए। और हुंजा में हम आए हैं, आज पहला दिन है तो अभी हमने एक गाइड ढूंढना है। और इसमें पहले मैं आपको अपने कमरे का व्यू दिखाऊं। यहाँ से व्यू जो आ रहा है वो ये। और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। हुंजा की खूबसूरती देखे आप ये अंदाज़ा बिल्कुल लगाए कि यहाँ पे ठंड होगी। यहाँ पे इस वक्त 32 डिग्री है और दोपहर के वक्त यहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। हल्का सा नाश्ता किया और जल्द ही ईगल नेस्ट की जानिब। मेरे कंधों पर हर वक्त 14 से 15 किलो का बोझ होता है तो मुझे उसको भी साथ लेके हर जगह जाना होता है। यहाँ जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से पूरी हुंजा वैली का नज़ारा देखने को मिलता है। और लगे हाथों हमें एक फैन भी मिल गया। खुशी हुई बहुत। चलो ये तो शुक्र हुआ मैंने टेलीनॉर की सिम ले ली थी जिसकी वजह से दौरान सफर इंटरनेट कॉल्स और एसएमएस के जरिए पहाड़ों में भी रابطे बढ़ते रहे। तो अल्तित फोर्ट आ गए अदनान भाई कॉल कर रहे हैं उनको गाइड को। हाँ आ गए। अस्सलाम वालेकुम कैसे ठीक ठाक कैसे और अभी तक के मेरे सारे शॉट्स जो आपने देखे वो ये तैयब भाई ले रहे थे। ओके सो वी आर हियर एट टॉप ऑफ अल्तित फोर्ट। हुंजा में दो फोर्ट्स हैं अल्तित और बल्तित और मेरे पीछे बिल्कुल बल्तित है। बल्तित फोर्ट से अल्तित फोर्ट नज़र आता है और अल्तित फोर्ट से बल्तित फोर्ट नज़र आता है। लेकिन इन सब कश्माकश में हम आपको अपने गाइड से मिलवाना भूल गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप क्या नाम है आपका? एहतशाम हमीद। और आप यहाँ के हैं कि कहाँ के? मैं हुंजा का हूँ। और क्या आप क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं इस ट्रिप पे? इस ट्रिप पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ।
क्यूट। और ये जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है हमें कहाँ मालूम, हम तो पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा आए, पहली दफ़ा 3 साल पहले आया था, और ये इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दी है और आगे भी ये हमें एक्सप्लोर करेंगे। हुंजा अलतेज फोर्ट से निकल रहे थे तो एहतशाम भाई बोले कि अंदर आपको कोई बुला रहे हैं, NCA से हैं कोई, और ये देखें जी हमें कौन मिला। कैसे मैं अपने ब्लॉग में हर वक्त कहता हूँ कि NCA फैमिली जो होती है ना, हमें पढ़ाया जाता है कि सिखाया जाता है कि NCA फैमिली ऐसी होती है कि जहाँ जवाब को मिल जाती है। देखें हुंजा हैं, हमें अपने सीनियर ज़िया भाई मिले हैं, दे आर ट्रीटिंग अस वेरी वेल। अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, कैसे हैं? क्या कर रहे हैं, बोलते स्पोर्ट करने वाले यार? बस मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ और आज जल्दी आया हूँ, तो ये अकमल मेरा फ्रेंड आया हुआ है। हाय, इट्स मी अकमल। इट्स मी बाजी। ओके जी, हमारा हुंजा में दशा को बताया पहला दिन है और हमने आज का दिन थोड़ा लाइट मूड में रखा। हम सुबह अलतेज बोलते गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और रात के वक्त हमने सोचा कि करीमाबाद का बाज़ार घूमेंगे, और जैसा कि बताया था हमारे लोकल गाइड एहतशाम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम भाई बताया था कि वो काफ़ी ट्रिप्स वगैरह लेके आए थे। एहतशाम भाई आप कहाँ कहाँ गए हुए हैं? मैं स्कर्दो गया हूँ, अस्तोर गया हूँ, लेजर वैली गया हूँ, हुंजा तक। तो आपने इतनी खूबसूरत जगह एक्सप्लोर की हैं, तो आपने कभी कोई इनकी तस्वीरें वीडियोज़ वगैरह बना के यूट्यूब वगैरह पे इंस्टाग्राम पे डाली होंगे भी? यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं डाली, पिक्चर्स तो मैंने वीडियोस बनाई हैं। हाँ, तो क्या मतलब है यार, जैसे इंटरनेट का दौर है, डाटा का दौर है, तुम डालो मतलब एक्सप्लोर किए हैं तुमने चीज़ें, तो लोगों को ये खूबसूरती दिखाओ। एक्सपीरियंस नहीं है मेरा इतना फोटोग्राफी वगैरह में, इस हिसाब से पिक्चर्स वगैरह नहीं बना सकता कि मैं शेयर करूँ यूट्यूब पे। तो मैं आई थिंक कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होगी, इंदा स्टार्ट होती है। हाँ, वो बात आप सही कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी कमी है। तो इसमें कोई औखा काम तो है नहीं यार, मैंने पता की बात है, मैंने इंडिया से स्टार्ट किया था और इंडिया में ये था कि मुझे कोई जानने वाला नहीं था, सबसे बड़ा मेरे प्लस पॉइंट ये था कि मुझे ये टेंशन थी यार ये देखेगा तो क्या कहेगा, तो मैं ट्राई देते हैं। तो चलिए शाम में शुरू करते हैं, ये पकड़े कैमरा और आपने अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी स्टार्ट करना है, ब्लॉग करें, शुरू करें। हाँ, ये तो बहुत भारी है यार, शुरू करो बस। तो इस टाइम हम घूम रहे हैं करीमाबाद बाज़ार में, लाइट गई हुई है और जनरेटर की टर टर की आवाज़ें आ रही हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है वासिफ भाई के साथ वी लॉग बनाने का। ये आज का दिन था हमारा और इसके साथ ही आज का दिन हमारा एंड हो रहा है, कल सुबह मिलेंगे एक नई डेस्टिनेशन पे। अल्लाह हाफिज़। अब अगर आप ये समझ रहे ना कि व्यू अच्छा यार हुंजा यार वाह ठंड में इन्जॉय करा वो है, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। 35 डिग्री है इस वक्त, 35, और इस शदीद गर्मी के अंदर अगर आप सन ब्लॉक लगा के बाहर नहीं निकलते तो धूप क्या मारती है आपको, चुपेड़े ऐसे, वाकई बहुत गर्मी है, लिटरली चुभने वाली धूप है, चुभने वाली। गलत कमरे में जा रहा था। तो आज है हमारा सफ़र अताबाद झील और खुंजरा पास की जानिब। अताबाद खुद जितनी खूबसूरत है उसका रास्ता भी उतना ही खूबसूरत है। पहाड़ों के दरमियान में से गुजरते हुए ये टनल और इन टनल्स में से गुजरते हुए वो गूंज जो आपको अताबाद की खूबसूरती की वही देती है। तो भैया बताबाद आए हैं तो बोटिंग तो करेंगे, बोटिंग तो सब करते हैं, लेकिन हम करेंगे कुछ नया, हम करेंगे कुछ ऊपर की गेम्स, नहीं समझे?
मेरी तो भाई खुशी से चीखें ही नहीं रुक रही थी। खैर उसके बाद हमने एक अंग्रेजी नाश्ता किया। अब इतनी खूबसूरत जगह पे आए हैं और अगर आपके पास ड्रोन हो तो आप ना उड़ाएं तो ड्रोन के साथ नाइंसाफी होगी, और अगर ड्रोन आपको यहाँ उड़ाने ना दिया जाए तो ये आपके साथ नाइंसाफी होगी। तो खैर मेरा मतलब ये है कि ड्रोन हमें नहीं उड़ाने दिया गया, उतरवा लिया गया, NOC लेना पड़ता है इसी हुंजा से। लेकिन एक खूबसूरत लेक की हिस्ट्री क्या है बताते हैं आपको, मुझे तो नहीं पता, लोकल जो हमारे एहतशाम भाई हैं उनकी मदद लेते हैं। ये 2010 में एक लैंड स्लाइडिंग हुआ था। ये जो पहाड़ आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इस थोड़ा आगे जाके एक पहाड़ आता है, वो पहाड़ लैंड स्लाइडिंग की वजह से गिर गया था। यहाँ से एक दरिया बहता था, जो लैंड स्लाइडिंग हुई तो उसने दरिया का जो रास्ता है वो रोक लिया और काफ़ी 6-7 महीने तक पानी का लेवल बढ़ता गया। और यहाँ पहले एक गाँव हुआ करता था शिशकट नाम का, वो अब आधा डूब गया पानी के अंदर। आपको बोटिंग करते हुए आप जब आप जाओगे तो रास्ते में आपको टूटे हुए घर नज़र आएंगे और दरख्त नज़र आएंगे, वो रिमेनिंग्स हैं जी। वो तो देखे मैंने। और फिर हम पासू कौन सी खूबसूरती को सराते हुए रवाना हुए खुंजरा पास की जाने। ये खुंजरा तक का रास्ता जितना खूबसूरत आप लोगों को नजर आता है उतना खतरनाक भी है। और रास्ते में काफी लैंडस्लाइडिंग्स हो रही होती हैं, मौके की मुनासिब डिपेंड करता है। तो है तो अल्लाह की हिफाजत, लेकिन जब भी आप लोग आएँ तो सेफ्टी फर्स्ट, मतलब आतल कुर्सी 3 दफ़ा। और अब अगर आप खुंजरा पास जा रहे हैं तो आपको ये चेक पोस्ट 4 बजे से पहले क्रॉस करनी है, वरना आप खुंजरा पास नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी उतनी ही ठंड की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। तो भाई आ गए हम चाइना बॉर्डर। सो हियर आई हैव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ATM इन पाकिस्तान। YouTube पे जाएगी सीधा। YouTube पे लगा देना चैनल आर्ट बाय वासिफ। आर्ट बाय वासिफ, अरे बस आर्ट बाय वासिफ वासिफ है। हां जी, अरे वाह बच्चा। पाकिस्तान को 4 मुल्क लगते हैं बॉर्डर पे, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान। इंडिया भी हुआ है, अफगानिस्तान के बॉर्डर को भी टच कर रहा है, और चाइना फिर भी। और ईरान हमारा मिशन है, बड़ा खूबसूरत शहर लगता है मुझे। लेकिन बगैर किसी डिले के हम यहाँ पे एक मैंडेटरी पिक्चर लेंगे और वापस हम हुंजा की तरफ रवाना होंगे, क्योंकि रात पड़ रही है। दिल तो कह रहा था कि बस सारा वक्त यहीं बैठा रहूं और इस खामोश पानी में पत्थरों को नचवाता रहूं, लेकिन नहीं यार, ठंड का तनाज़ा कुछ बढ़ रहा था तो सोचा कि वापस जाया जाए। वापस नारान पहुंचकर हमने अपने दोस्त को टेलीनॉर 4G से वीडियो कॉल करके ट्रिप के खूबसूरत लम्हात से आगाह भी किया। और अगले दिन वापसी पर बाबू सर टॉप ने अपनी खूबसूरती से इतना महसूस किया कि दोबारा ड्रोन उड़ाने पर मैं मजबूर हो गया। फिर
वापस जाते वक्त तो भाई मौसम कुछ ज्यादा ही हॉलीवुड टाइप हो गया था, यानी कि फुल अंग्रेज बादल यार। उम्मीद है आप लोगों ने मेरे साथ इस सफर को जरूर एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्पेशल थैंक्स टू डकी भाई जिन्होंने मुझे अपना माइक यूज करने दिया और आपको एक खूबसूरत सा वॉइस ओवर सुनने को मिला। फी अमान अल्लाह। तमाम वीडियोस बच्चों के पहुंच से दूर रखें, वीडियो ज्यादा देखने तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन के बेल बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत हुकूमत आर्ट बाय वासिफ।